देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता, उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। यही वो धनुष है जिसका वर्णन राज पुरोहित ने किया था। हाँ। जी महाराज, यही है। अरे, उन्होंने ये भी कहा था कि यज्ञ की समाप्त होने से पहले यदि यह धनुष टूट गया या तोड़ दिया गया तो ये अपशकुन यजमान की मृत्यु का सूचक होगा। जी महाराज, याद है। तो फिर ऐसा प्रबंध किया जाए कि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले, यज्ञ के बीच में और यज्ञ समाप्त होने से पश्चात ये धनुष जहां जहां भी रखा जाए, इसके चारों ओर हमारे चुने हुए सैनिकों का कड़ा पहरा रहे ताकि कोई भी इसके निकट ना जा सके, समझे? जी महाराज। देवकी भाभी ने कंस के लिए प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता, उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ ये भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि ये बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है।